हद ही मंदभागी घटना है। तीन चार दिन पहला भी एक सरोवर दे विच किसी ने गुटका साहब की बेअदबी करने की नापाक कोशिश की है। तो अज फिर एक सिरफिरे दुष्ट पापी वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब विखे एक होर बेअदबी करने का यतन किया है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब सिखां दा दिल है। ये सिखां दे दिल दे उत्ते पैर रख के कोई यह आस रखे कि मैं जिंदगी जिउ लूँगा तो उहदी गलत फहमी है। बड़े बड़े हमलावर अबदाली वर्गे इस स्थान दे उत्ते चढ़ के आए। इंदिरा गांधी चढ़ के आई जिन्हें सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब दे उत्ते अपना नापाक हमला करके अपने आप नूं जेतू ते बहादुर साबित करन दा यतन किया पर सिखां ने बर्दाश्त नहीं किया। गुरु वल कोई निम्रता दे नाल आवे कोई सीस झुकावे सचखंड श्री हरिमंदर साहब कोई अरदास करे तो इत्थे सभनां दीआं भावनावां दी पूर्ति भी हुंदी है। अरदासां नूं फल लगदे ने। इत्थे गुंगे जिहड़े ने वो बोलते देखे गए ने और बोले जड़े ने उन्होंने सुनाई दिता। इतने प्रतख जड़ा है वह साबित होया। पर जदों जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाल किसी ने कैरी निगाह नाल वेखन का यतन किया तो सिख पंथ ने हमेशा जड़ा है उसनों मूँह तोड़वा जवाब दिता और अगों नूं भी जवाब देगा। तो मैं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं यह अपील करदा कि इलैक्शन का दौर है और इस दौर दे विच जो ये घटिया हरकतां जड़ियां ने करवाइया जा रही ने जिहड़ियां भी एजेंसियां इन्हां घटनावां नूं कराउण दे लई जिम्मेवार ने उन्हां नूं असीं दसना चाहुंदे हां कि सिखां दे सबर दा प्याला जिहड़ा है वह भर चुके हैं। असीं इहनूं किसे कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं करांगे। तो मैं सिख जगत नूं भी यह अपील करदा कि जे किते भी किते कोई अणसुखावीं घटना वापरदी है तो संगत उस दुष्ट दोषी नूं मौके दे उत्ते जिहड़ा फड़ के सोधा ला दिंदी है तो उहदी जिम्मेवार जिहड़ी है सिर्फ तो सिर्फ सरकार होएगी तो या फिर वह दुष्ट दुखी खुद होएगा। तो भारत सरकार को असं कहना चाहते हैं कि ये पिछे कौन ताकत जिहड़ी जिम्मेवार है इनू बेनकाब जिहड़ा है वह किया जाए। किहड़ियां ताकत ऐसे घिनौने घटनाक्रम जिहड़े वरत रहे ने इन्हां नूं अंजाम दे रही ने इन्हां घटनाक्रमां तो पर्दा जिहड़ा है वह चुकिया जाना चाहिए। सिख